मिलने दे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल राजा डीसी। और ये निकल रहे दोस्त वगैरह सब पीछे से, स्विमिंग पूल आए थे, अब खा पी लिया और निकल रहे हैं पीछे से। देखो तो रात को हम सोए नहीं था, बता दे बोरा, रात को हम सोए नहीं। सही बात है, हॉस्पिटल बैठे हुए थे पूरी रात, तो 4 बजे उधर से आए हम, तो शाबी भी आ गया हुआ था। आंखों से देख के पता चल जाता है सोए नहीं। सही बात है। तो बाकी मैंने सोचा जाके ब्लॉग शूट करने थे, तो इंट्रो वगैरह दे लेते हैं। बाकी ये ड्यूक है, वो अपनी आरएस लगी हुई है, तो निकल रहे हैं यहाँ से। हम मिलेंगे आपको सीधा बाइक पे। तो गाइस जा रहे हैं हम फ्रेंड के पास बख्शी नगर हॉस्पिटल, और ये साथ में हमारे रईस। ओ रईस मलिक, ठीक है तू? अभी ये कौन है? ऐसे हो जी 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 जी, पहचानने नहीं आ रहे? नहीं नहीं, बाइक दूसरे ने इसीलिए। हाँ, जब राइड पे जिसने जाना होता है वो शफकत को मैसेज कर देता है, वो सबको रिप्लाई करता है। शफकत जो कप्तान व्लॉगर है ना? हाँ। जानते हो आप? नहीं नहीं, उनको नहीं जानता हम थोड़ा साथ थे जानवर स्टंट्स के साथ। हम चक्कर हम थोड़ा अलग करते हैं ना बस, क्या मिल ही नहीं पाते हैं। नहीं 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 नहीं, होते तो सब, बट यही चक्कर हम थोड़ा अलग करते हैं ना स्टार्टिंग से सब, बस 1 2 3 बस। बे 100 से है तो ज्यादा ही है, बट यार चक्कर पता क्या, कैश नहीं रखते हैं। जी जी, ऑनलाइन करते हैं ना वो तो ऑनलाइन करते हैं। हाँ वो ऑनलाइन करते हैं, बड़ी बार मैंने यहाँ से इसलिए तो किया इधर। यार आपको पता तो है, फिर आप ऐसी बात कर रहे हो यार। फोन पे करना, शुक्र है यार मान गए। वो अंकल मान ही नहीं रहे थे। कैमरा हो गया ना, आप मान लो। सही बात है, चेक कैमरा जैसे ऑन होता है ना बंदा की बंदे की टोन चेंज हो जाती है। अगर नहीं चल रहा यहाँ पे ना, लिख के ना चिपका दो कि यहाँ पे गूगल पे वर्क नहीं कर रहा, ऐसे गलत हो जाता है यार। अंकल कह रहा है वो बंदा मर गया अभी तो, फिर नहीं अंकल बंदा मर गया, कल आएगा। अच्छा आवाज मर गया, कल आएगा। अंकल की सांस देख रहे हो। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बख्शी नगर, तो मौसम तो आज बहुत बढ़िया हो गया है, नहीं तो इतने बजे 4:30 4:45 बजे धूप होती है। आज तो एकदम ठंडा मौसम हो गया, और मेरे सरोवर वाली तरफ तो बारिश हो रही है। मेरे को भी कॉल आई थी पापा की, तो वो बोल रहे कि बारिश हो रही है वहाँ पे। तो ये इसकी बाइक ना शोर इतना करती है, जानबूझ के मेरे पास अपनी बाइक ले आता है। और V3 बोस के पीछे बैठा हुआ है रईस का भाई, तो अभी जाएंगे दोस्त को। जैसे आपको मैंने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया हुआ था, तो उसको लगी हुई है, तो 1-2 दिन हो गया उसके हॉस्पिटल में। तो अब कल हम तो नहीं गए पाए, तो आज आ रहे हम, तो देखते हैं कैसा हमारा दोस्त। अभी कॉल की थी तो अभी तो यही सुनने में आ रहा कि एकदम मस्त है, बॉम्ब है, तो बॉम्ब भी होना चाहिए यार। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब मेरे दोस्त के लिए प्रेयर करना कि मेरा दोस्त जल्द से जल्दी ठीक हो जाए यार। तो बस क्योंकि दवाई इतनी जल्दी काम नहीं करती जितनी जल्दी दुआ करती है। सो गाइस अभी थोड़ा हॉस्पिटल आए हुए थे, देन अभी इधर से निकल रहे हैं। मैं शफकत, रईस और ओएस भाई, ठीक है फ्रेंड हमारा। भाई हॉस्पिटल आके ना दिल ना थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जब हर एक बंदा दिखता है ना दुख में, तब दुनिया का असली पता चलता है यार। बाकी मिलते हैं आपसे आगे जाके। तो गाइस निकल गए, अब हम जाएंगे राइड करते। आज मैं सोच रहा हूँ सतवारी में से जाएंगे, तो बाकी दोस्त हमारा एकदम ठीक था, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बाकी रहते ही है आरआर की बात, बड़े बंदे आरआर को मिस कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अब बहुत ज़्यादा कमेंट आने लग गए हैं, तो यार कोई बात नहीं, ले आता हूँ आरआर। मैंने सोचा अब देखा नहीं जा रहा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर आरएस वाले तो अभी भी जिद कर रहे हैं आरएस। तो यार आप ना आरआर वालों को बेचारों को रुला दोगे, इतने कमेंट कर देते हो आरएस से। ओ भाई बात करते करते मेरा ध्यान ड्राइविंग की तरफ नहीं जाता, ये अपने रईस मलिक। बाकी आज की वीडियो में आरआर वालों के मैं कमेंट चेक करूंगा, तो देन मैं फिर आरआर ले आऊंगा यार। अभी चलते हैं आपके लिए अच्छी सी राइड करते हैं। ये देखो बिना इंडिकेटर दिए राइड कर देते हैं लोग। गाइस आज हम जा रहे हैं सतवारी वाली साइड से, इधर बड़ा ट्रैफिक होता है गाइस, जैसे नरवाल में शाम को होता है ना, तो इधर मतलब सुबह सुबह बहुत होता है। ने सोचा ठोक दी, इधर तो बॉयज रिएक्शन बन गया, ऐसे गर्ल रिएक्शन बनता ना। आरएस तो यार कसम से टॉय है, छोटा सा यार, सच में मेरे लिए तो आरएस टॉय है।
कभी सुपर बाइक भी ले लूँगा ना फिर भी आरएस हमेशा चलाया करूँगा। आरएस एक ऐसी बाइक है जिसके ऊपर ना मेरा हाथ प्रॉपरली बैठा हुआ है यार। और V3 बोस तो V3 के किंग है। फिर आज इन्होंने एक पीछे बंदा बिठाया हुआ है, बोलता है जब मैं एक बंदा पीछे बिठाता हूँ फिर मेरा बैलेंस बहुत अच्छा रहता है यार, बहुत ज़्यादा फॉर्म। बाकी कल मैं आपके लिए व्लॉग नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी। आपको पता है यार फ्रेंड थोड़ा बीमार है, उसी लिए फिर ऐसे फ्रेंड भी सोचेगा मैं बीमार हूँ और ये व्लॉग बना रहे हैं, तो इसलिए हमने कल व्लॉग नहीं बनाया। बाकी जैसे आपको मैंने बोला मेरे फ्रेंड के लिए, सब दिल से दुआ करना कि मेरा फ्रेंड जल्दी ठीक हो जाए, गेट वेल सून। तो यार बस और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी दोस्ती आपको पता जम्मू में एकदम डिफरेंट है यार। व्लॉग भी हम अकेले करते हैं, सब दोस्त मिलके, सिर्फ किसी बाहर के बंदे को हमने इसलिए आज तक ऐड नहीं किया क्योंकि हमारे जो दोस्त है वो ही बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हमारे बीच में कभी ऐसी कोई लड़ाई नहीं कि हमारी ग्रुप टूटे या हमारी दोस्ती टूटे, हम हमेशा साथ रहते हैं। व्लॉग बेशक कभी हम अकेले भी कर लेते हैं, बट जब पता चलता है कि हमारा कोई एक दोस्त प्रॉब्लम है फिर भी हम पूरे दोस्त एक साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं यार। तो इसलिए यार बड़े बंदे बोलते हैं भाई आप ऐड नहीं करते, तो यार एक तो आपको पता है कि हमारा जो मोटो ब्लॉगिंग है वो भी सबसे थोड़ी अलग है जम्मू में, हमसे बाकी काम नहीं होते जो मतलब कि अपने दोस्तों को मारना ये वो, तो थोड़ा गलत हो जाता है। चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तो ये सीन होता है यार। बाकी मैंने इतना ज़रूर बोला हुआ है बंदों को कि यार कि क्या सीन है कि अगर आपको रैंडमली हम मिलते हैं तो आप हमारे साथ व्लॉग कर सकते हो, कोई बात नहीं। बाकी यार साथ रखना और हमेशा साथ रहना यार वो थोड़ा ना, हमने इसलिए आज तक आप खुद सोचते हो कि मैंने कभी स्टोरी क्यों नहीं डाली कि हम आज मिल रहे हैं सब राइड पे आओ। मुझे पता है कि जितनी बारी भी राइड डिसाइड हुई है जम्मू के लड़कों की हमेशा एक्सीडेंट हुए हैं, वो आपको भी पता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से कोई और बंदे का एक्सीडेंट हो, क्योंकि जब ज़्यादा बाइक साथ में चलती है ना तो एक्सीडेंट होता ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि सब तेज़ ही चलते हैं राइड पर, कोई भी आस्था नहीं चलता। तो इसलिए यार हमें एक दूसरे का बिल्कुल वो है कि कितनी दूर जाके ब्रेक मारनी है, तो हमारा दोस्त कितनी ब्रेक मारेगा ये वो, तो हमें पता होता है कि हमारे दोस्त ने कब ब्रेक मारनी है, हमें एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है। बाकी हैं क्यों, हाँ चल देखते हैं। मानता है अंकल, अंकल उल्टा पीछे रख पड़ा स्लो जाएगा। शफकत फिर एकदम से हाइपर हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं शफकत के जहाँ पे इंश्योरेंस मिलेगा ना वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि वो बंदे कब से बोल रहे हैं कि आज रिम आएगा आज रिम आएगा। तो यार अब हम जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यार कितने दिन हो गए। बाकी तो उसकी बाइक के टोटली पार्ट आ गए, सिर्फ रिम की वजह से हम ना रुके हुए हैं। बाकी अभी उधर ही पूछने जा रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं, नहीं तो फिर रिम हम बाहर से ले लेंगे यार। चला जा, के पास तो पावर है, इसके लिए तो हम छोटे से बच्चे हैं यार, वो तो मौजू है। ये खींचता ही नहीं है, इसको पता है खाली रोड पे क्या खींचनी है, दो मिनट में आगे निकल जाऊंगा यार, क्योंकि पावर मैटर करती है हाईवे पे यार। स्ट्रीट रेस में तो चलो रश हो तो फिर तो कोई चक्कर नहीं है, फिर तो बंदा कहीं से भी निकल सकता है। अब देखो कहाँ से निकालेगा। V3 बॉस साइकिल वाले भाई भी एक हाथ से साइकिल चला रहे और एक हाथ से बात कर रहे हैं, ट्रेंड हो गया, मोबाइल के बिना कुछ होता ही नहीं है। गुरुद्वारा वाहेगुरु जी का खालसा थे वाहेगुरु जी की फतेह। तो वह हम गोल्डन टेंपल जब जाते होते ना, पिछली बार मैं अयास और क्या नाम है साजिद और मत्ती हमारा एक दोस्त हम गए हुए थे, तो हमने गोल्डन टेंपल इतना मज़ा किया था। अगर आपको गोल्डन टेंपल वाली साइड ब्लॉग चाहिए तो बता देना, उधर तो हम सुबह निकल सकते हैं और जल्दी पहुँच जाएंगे, अमृतसर पास ही है जम्मू से। एक तो V3 बोस को फ़ोन बड़े आते हैं, ओए बू, छोटे छोटे डॉग्स। और शफकत की बात हो गई है, बोले रीमा आपकी मर्ज़ी, जब डलवाना होगा एक दो दिन तक आ जाएगा, बट कल आप पार्ट्स वगैरह डला लो, तो कल इसकी बाइक के पार्ट्स वगैरह की जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, डलवा लेगा कल पार्ट्स वगैरह। मैंने बोल दिया चल ठीक है यार, कितनी देर रिम का वेट करेगा, जब तक रिम आएगा छोड़ दो तो पार्ट्स वगैरह ही डला ले।
तो अब कल इसकी बाइक के पास डल जाएंगे तो एक दो दिन में B3 बोस की बाइक एकदम आपको ब्लू दिखेगी जैसे पहले होती थी। बॉम्ब लगती थी मुझे तो पहले इसकी बाइक ज़्यादा बॉम्ब लगती थी तो, बट इसने टेपिंग करवा ली तो कुछ ही दिनों में बस अब ये टोटली बाइक न्यू होने वाली है। तो RR को मैंने बोल दिया कि अब बेशक RS वाले बंदे जितना मर्जी फोर्स करें कि नहीं भाई RS पे ब्लॉग करो, तो भाई नहीं यार मेरे RR वाले सब्सक्राइबर्स ना नाराज़ हो गया। RS पे मैंने 12-13 ब्लॉग्स कर दिया आपके लिए, तो अब थोड़ी देर RR को लाते हैं जिधर से हम करेंगे राइड शफकत के साथ। तो अरे इस वहाँ पे अकेले पंगे ले रहा साइड पर, मैं और B3 बॉस यहाँ पे एक हाथ से रेस पक्का। चल ठीक है, वन हैंड। ओ ओ ओ लकी। देखा पंगे करता है मतलब कट मारता है, उसके लिए तो ब्रेक तो मारनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं है कि बस एक हाथ से चलाओ तो फिर ब्रेक नहीं मारो, ब्रेक तो मारनी पड़ती है यार। ये तो आपको पता है फिर जब स्टार्ट होता है फिर तो रुकता ही नहीं है ये। गाइस हमारी वन हैंड गेम बड़ी खतरनाक है यार, सच में बोल रहा हूँ यार। अगर इसको पीछे करना हो सच में इसको मैं पीछे 2 मिनट में कर देता हूँ यार। अब शफकत आएगा पीछे से एकदम तेज। ये देखो बंदा ना लेफ्ट देख रहा ना राइट देख रहा है भाई, एक तरफ देख लो या इधर देख लो या उधर उस तरफ देख लो, अभी भी होश नहीं है, पता नहीं क्या है। अभी मैंने मतलब बच गया था यार, क्योंकि गाइस जो बंदा पीछे से तेज आता है ना वो एकदम से ब्रेक नहीं मार सकता, और ये बंदे ने सीधा ऐसी कर ली। अगर हम तेज चलाते हैं ना तो भाई हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों की तरफ देख के चलाते हैं कि किसी बंदे को प्रॉब्लम ना हो। हम ये नहीं कि आंखें बंद करके चलाएंगे कि जहां हमारी मर्जी वहां पे चले। अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो भाई मेरी भी गलती है, बट कभी भी हम कट मारते ना भाई लेफ्ट साइड देखते हैं राइट साइड देखते हैं गाड़ी है तो फिर भाई हम ऐसी ड्राइविंग करते हैं। ये नहीं कि आंखें बंद करके लेफ्ट भी काट दी तो राइट भी काट दी। अभी इसको मैं बोल रहा हूँ उसको खुद नहीं पता कि मेरे को बोल क्या रहा है। वाह, दो हाथ पकड़ लिए B3 बोस, देखो कट। सो गाइस आपको मैंने बोला था ना कि इसका रिमना जो हमने टेढ़ा आगे से इधर से आपको दिख रहा होगा, इसलिए हमने इसका ये रिमना चेंज करवाना है। इसकी वजह से ना बाइक मारती है बबल उधर टायर ऐसे हो क्या ऐसे। हाँ शुक्र इसको हुआ कुछ नहीं, मतलब बाइक गिरी बट इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस चीज ने बाइक बचा ली और शफकत ने नीचे लात लगा ली थी। मैंने कंट्रोल किया, कंट्रोल तो दिखी मुझे, इसने बाइक गिरने भी दी नीचे लात लगा के रखी हुई थी शफकत ने। चलो कोई ना, बट चलो अब बगाएंगे बाइक थोड़ी सी और। अभी तो हमने कल इसी साइड का इंश्योरेंस लेना था तो ये ब्रेक पहले ही टेढ़ी होगी, बट अब कल ये बाइक एक दो दिन में नहीं होने वाली आपको बताइए। बाकी चले छोटे मोटे चीज़ें राइडर्स के साथ चलती रहती हैं। ऐसे अगर पहले से स्टार्टिंग से गिरा ना जो कट बजा ये वो देखा मैंने यार, खड्डा बड़ा खतरनाक था वहाँ पे, चलता रहता छोटा मोटा यार। ये नहीं हमारे बाइकर्स के साथ एक्सीडेंट नहीं होंगे तो भाई किसके साथ होंगे। MotoGP में देखा ना कैसे बाइकें जाती हैं उड़ उड़ के, इस रोड से उस तरफ जाती हैं। गए जब मैं रात को मतलब कि डिनर वगैरह करता हूँ तो मैं MotoGP की रेस वगैरह डेली देखता हूँ, तो वहाँ पे मैं जब एक्सीडेंट देखता हूँ ना तो चलो उनको तो लगती भी उन्होंने गार्ड्स वगैरह मतलब पूरा सेफ्टी पूरा ड्रेस मतलब वेयर किया होता है, तो वो जितनी मर्जी स्पीड में गिरे उनको तो कुछ भी नहीं होता है। तो उनके एक्सीडेंट्स देखता हूँ ना, जब मैं उनके रात का एक्सीडेंट देखता हूँ तो भाई एक के साथ पता नहीं 10 बाइकें बचती हैं। रॉसी मार्क्यूज उसको तो मतलब जानबूझ के रेस के चक्कर में एक दूसरे को गिराते हैं। रॉसी और मार्क्यूज की रेस तो आपने देखी होगी, वो कैसे एक दूसरे को गिराते हैं। तो भाई MotoGP तो देख देख के मेरा घूमता रहता सिर के, चलता क्या है MotoGP में। तो मैं तो शफकत को यही बोलता हूँ कि बस थोड़ी देर इंडिया में ये करेंगे मोटो व्लॉग्स, उसके बाद चलेंगे हम भी उधर रॉसी के पास, तो वहाँ पे जाके सीखेंगे। देखो निकल गया वो अभी भी उसकी बाइक बबल कर रही है। ये देखो यार ये जो कुत्ते बीच में आते हैं ना इनकी वजह से बड़ा ड्रामा। ये देखो आ गया। ओ शुक्र है मैं अभी स्लो था यार। शुक्र है यार
मैं भी स्लो था, देखा मतलब कुत्ता एकदम से बीच में आया था। कुत्ते हाईवे पे पता नहीं क्यों आ जाते हैं यार, बड़ा डर लगता है कुत्तों को देख के। अगर कुत्ता मेरे को आगे दिख जाएगा ना, मैं यहीं पे ब्रेक मार दूंगा। एक कुत्ते से मुझे डर लगता है रोड पे, एक पानी से, कसम से यार बहुत डर लगता है पानी से। मैं चला नहीं सकता टायर गिले हो तो। आ जा, हो जाए। अब उसकी ना ब्रेक काम नहीं कर रही है। अभी भी देखो आगे ही है, इसको ब्रेक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता शफकत को। मुझे यार कॉल्स पे कॉल्स आ रही है यार बार बार। तो जब मैं टीवीएस शोरूम से हमेशा जाता था तो मैं यही बोलता था कि मेरे को ड्रीम बाइक कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। और ड्रीम बाइक लेके भी मैंने आप सबके लिए आरएस लाई है कि, क्योंकि यार मैं कमेंट चेक करता था रोज, आरएस 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 हो रहा था कि भाई हम उसको मिस कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं तू बाइक रख ले, मुझे आरएस ही चाहिए। जब तक ये आरआर के लिए सब बोलेंगे नहीं कि आरआर लेके आओ, तब तक मैं आरआर पे व्लॉग ही नहीं करूंगा यार। ओ मिलने दे, बहुत बड़े फैन हूँ मैं भी आपका, बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे हो? हाँ व्लॉग बना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाय कर दो। आराम से चलाओ साइकिल, हाईवे पे क्यों चला रहे हो? थोड़ी साइड पे चलाओ, हाईवे पे मत चलाओ साइकिल यार, ठीक है? सो गाइस, आगे घर पे तो निकल रहा था मैं सरोर, अभी आपने देखा होगा V3 बॉस के साथ क्या हुआ। इसकी भी गलती, मेरे को पकाता है, बोलता भगा भगा। गाइस इसकी गलती नहीं है, रही मेरी बाइक की ब्रेक में नहीं है, मैंने काट भी मारा। ब्रेक तो आपको पता नहीं, अभी हम इंश्योरेंस का नाम लेते, तो इसकी गलती नहीं थी, आगे खड्डा था। किस्मत ऐसी थी, अभी हम पता करा के आए थे कि पार्ट कब तक आएंगे, बोलते कल आएंगे और आज उसी वाली साइड पर। इधर आ रहा थपलू, मेरी जान लगी तो नहीं तेरे को? लगी गाइस, इसको टोटल थोड़ी सी भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। बट सच में पता क्या, मतलब हमने उठाया इसको इसीलिए ना क्योंकि हमें इसको पता है इसमें दम है, बाइक उठा लेता है। और बाइक लात के ऊपर मतलब खड़ी हुई थी, बाइक बबल हुई धन गिर गई। बाकी चल टाटा बाय बाय, मिलता हूँ भाई। सो गाइस घर के लिए निकल गया, टाइम बच गया 9। तो आपको मैंने पहले बताया था कुछ काम है, तो उसी काम के लिए यार थोड़ा लेट हो गया। तो शफकत और मैं और रईस वगैरह सब गए हुए थे, तो आज तो मुझे घर से यार बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, क्योंकि इस टाइम तो मैं घर पे कभी भी नहीं गया। टाइम हो गया पूरे 9 बज गए हैं, तो आज तो पापा ने बस भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि कल ब्लॉग आ पाएगा। जिस हिसाब से पिटाई होगी ना आपके राजा डीसी की, तो आज पापा से डांट पड़ने वाले। बस मम्मा, अगर मम्मा ने बचा लिया तो ठीक है, मम्मा ने भी अगर साथ नहीं दिया तो बस फिर आज तो मुश्किल है। तो बाकी V3 बोस को आपने देखा है यार, अभी ना उसने वापस कॉल किया था, बोलता है यार उसी रिम की वजह से ना मैं वापस गिरा हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है उसके रिम में बहुत प्रॉब्लम है। उसका रिम है ना जो मतलब ऐसे सब रिम सीधे होते हैं, उसके रिम के बीच में थोड़ा सा मतलब एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा है, तो रिम में अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा पार्ट हो तो पूरा रिम बबल करता है। तो वही हुआ उसके साथ, बड़ी बार हुआ आज तो फिर कुछ ज़्यादा ही हो गया। गाइस मुझे तो वीडियो भी एंड करने में डर लग रहा है, मैं कहीं पापा आगे ना खड़ा हो डंडा लेके, तो बाकी पापा से मार पड़ेगी तो ठीक है। बाकी ट्राई करूंगा कि कल आपके लिए ब्लॉग करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।